हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हो बढ़िया होंगे। हम भी मस्त है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2022 का कैलेंडर बनाना, वो भी अपने स्मार्टफोन से ही। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी ये कैलेंडर बनाना। तो इस कैलेंडर को बनाने के लिए आपके पास पिक्चर्ट एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर प्ले स्टोर पर भी आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उससे भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस कैलेंडर को बनाने के लिए मैंने जो जो PNG यूज़ किए हैं, ये सब के सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उधर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। तो चलो हम आपको मिलते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैं अब आ गई हूँ अपने मेरे मोबाइल के पिक्चर एप्लीकेशन के अंदर। तो इधर से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर से हम ये व्हाइट वाला ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इधर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, और इधर से आपको अपना जो भी फ़ोटो पर आप कैलेंडर बनाना चाहते हो उस फोटो को ले लेना है। तो मैं उसको ले लेती हूँ। तो ये रहा मेरा फ़ोटो, मैं इसको ले लेती हूँ। उसके बाद और एक फ़ोटो लेना पड़ेगा, तो इसको भी ले लेती हूँ और इस पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और इधर देख पा रहे हो, इधर आ गया है। तो हम इस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और इधर जो आप देख पा रहे हो सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इधर से हम ये इस पर क्लिक करेंगे और इसको ठीक से एडजस्ट करके हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम। तो ये देख पा रहे हो, ये हो गया। इधर से हम इस वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे और इधर से हम सेव कर लेंगे। तो ये हो गया, इसको हम ऊपर रख लेते हैं। इसके बाद इसको हम क्लिक करेंगे और इधर इसको ले करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद हम इसको नीचे लाएंगे और इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। ये ज़्यादा हो गया था, इधर से हम राइट क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर लेकर कर। उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पर चले जाना है और डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है उस उधर से आपको ये फ़ोटो ले लेना है। इसको ऐड कर लेंगे, इसको भी हम साइज़ फुल कर लेंगे और नीचे नीचे लेकर जाएंगे। इसको भी हम क्रॉप कर लेंगे थोड़ा सा, कुछ इतना सा, और इधर से राइट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस फोटो को थोड़ा ऊपर लाएंगे और इसको बड़ा करके इधर एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, हाँ ये ठीक है। इधर से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया है, ये जो फोटो है मेरा, इस फोटो को हम ऊपर जाएंगे और इधर जो ओपासिटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे। आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना और इधर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे लाएंगे और इसको ठीक से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया है। उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पर चले जाना है और ये वाले फ़ोटो आपको ले लेना है
इसको बड़ा कर लेना है और इसको भी थोड़ा क्रॉप कर लेना है कुछ इतना सा, और राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको ऊपर लेकर जाना है और इधर जो ये लेयर वाला ऑप्शन देख पा रहे हो इसको क्लिक करना है और इसको मूव डाउन कर देना है। जब तक ये नीचे साला नहीं जाता तब तक इसको मूव डाउन करना है। तो ये हो गया है। उसके बाद फिर से आपको एड फोटो पर जाना है और इधर से आपको ये हैप्पी न्यू ईयर वाला इसको ले लेना है। इसको ले लेते हैं और इधर से हम इसको इधर लगा देते हैं। तो ये हो गया। फिर से आपको एड फोटो पर जाना है और अब इस 2022 को ले लेना है। उसके बाद इसको इधर लगा देना है। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। फिर से आपको ये जो अपने लोगो बनाया था इसको क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। आप अपने लोगो पर शेडो भी डाल सकते हो, तो मैं शेडो दे देती हूँ थोड़ा सा शेडो दे देती हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम। तो ये हो गया। आप देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया है। तो इसको हम इधर से राइट क्लिक कर देंगे और इधर से ये सेव वाले ऑप्शन पर जाकर इसको सेव कर लेंगे। तो ऐसे ही आप भी आपका अपने फ़ोटो का कैलेंडर बना सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.